केरल में जानलेवा निपाह वायरस के फैलने से अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। सऊदी अरब अब इस बीमारी से बुरी तरह से डर गया है। अपने नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सऊदी अरब ने केरल के फ्रोजेन एवं संसाधित फलों और सब्जियों के आयात पर बैन लगा दिया है। गल्फ न्यूज की सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार निपाह वायरस स्वयं एंसेफलाइटिस यानी कि मस्तिष्क की खतरनाक सूजन का कारण बन सकता है और इसके सामान्य लक्षण बुखार, खांसी, सिरदर्द, सांस की तकलीफ और भ्रम जैसे लक्षणों से अलग नहीं होते हैं। 29 मई को सऊदी अरब अमीरात ने केरल से आयात होने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया था। संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने कहा था कि केरल से आयात किए जाने वाले 100 टन फल और सब्जियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यूएई की स्वास्थ्य प्रदाता कंपनी वीपीएस हेल्थकेयर ने केरल सरकार को निपाह से लड़ने के लिए विमान से चिकित्सीय सामग्री भेजी है। बहरीन भी केरल के उत्पादों पर बैन लगा चुका है। कृषि मंत्रालय को लिखे एक पत्र में बहरीन सरकार ने पिछले हफ्ते भारत को सूचित किया था कि वो 23 मई से केरल क्षेत्र से आयात किए जाने वाले फलों और सब्जियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा रहा है, जो अगली सूचना तक जारी रहेगा। कुवैत ने भी ये प्रतिबंध लागू कर दिया है। टीम न्यूज़ नाउ।